पश्चिम बंगाल की राजनीति में शारदा चिट फंड घोटाले को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि शारदा घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी पर भी आरोप लगने लगे हैं। इस मामले के एक और आरोपी और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कुणाल घोष का आरोप है कि इस घोटाले से ममता बनर्जी और कई दूसरे बड़े तृणमूल नेताओं ने फायदा उठाया है। शारदा चिट फंड घोटाला क्या है, 10 बातें। शारदा घोटाला एक चिट फंड स्कीम से जुड़ा है जिसमें अलग अलग राज्यों के करीब 17 लाख लोगों ने अपना पैसा लगाया था। इसके तहत 150 से ज्यादा निजी कंपनियां बनाकर उनमें निवेश करने और फिर पैसे को कई गुना लौटाने का लालच लोगों को दिया गया। अप्रैल 2013 में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ जब शारदा ग्रुप को 200-300 अरब रुपए के घाटे की खबर सामने आई। इस खबर से पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में हंगामा हो गया। लाखों निवेशक अपने पैसे मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए। हालत बिगड़ते देख पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच बिठा दी, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर मामले में नरमी बरतने का आरोप लगा। ये भी आरोप लगा कि सत्तारूढ़ तृणमूल के ही कई नेताओं के तार इससे जुड़े हैं। उधर केंद्र सरकार के आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। ये सामने आया कि करीब 2,21,000 एजेंट शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड के एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्होंने करीब 2,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले के तार कई राज्यों में फैले होने के मद्देनजर मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले में मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन शुरू में कई दिनों तक फरार रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उसे कश्मीर के सोनमर्ग से हिरासत में ले लिया। अब वो सीबीआई की हिरासत में है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद और 4 अन्य आरोपी भी सीबीआई हिरासत में हैं। मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार से भी जुड़े हैं। इसके अलावा शेयर बाजार और कॉरपोरेट कानूनों का भी खुलेआम उल्लंघन हुआ है। अब सियासत भी इसे लेकर जमकर हो रही है।